अब यार स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1 क्लास चल रही है 12 बिल्कुल इजी सा चैप्टर है इजी एक्सरसाइज है और इजी सी टर्म है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इतने आसान टर्म है कि मैं यहां पर आपको समझा दूंगा कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होते क्या है देखिए सर आपके पास यहां पर एक रिलेशन डिफाइन करा हुआ है और रिलेशन की जो डेफिनेशन है इसे सेट बिल्डिंग फॉर्म हम कहते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म में यहां पर लिखा है a कोमा b सच दैट ये पॉइंट सच दैट का होता है a स्मॉलर इक्वल b क्यूब ये हमारे पास रिलेशन है और आपका ये जो रिलेशन है कहां के लिए डिफाइन है कि आप इसे सारे के सारे r r यानी कि रियल नंबर में आप ये मान लीजिए सब कुछ आता है नेचुरल नंबर होल नंबर फ्रैक्शनल पार्ट डेसिमल पार्ट नेगेटिव आपका पॉजिटिव सारे इसके अंदर आते हैं मतलब a टू z डिजिट पे आपको इसे रिलेशन को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा रिफ्लेक्सिव कहां होता है ब्रदर रिफ्लेक्सिव चेक करने का बड़ा अच्छा सिस्टम है अगर मान लीजिए a और b एलिमेंट है आपके रिलेशन के मान लो दो संख्या है मान लो यहां पर आपने दो संख्या मान ली कि 1 और 2 आपके पास यहां पर या 1/2 मान लीजिए आप 1/2 और 2 मान लीजिए चलिए ठीक है दो एलिमेंट है r के डेफिनेटली ये दोनों के दोनों एलिमेंट होंगे इस r के क्योंकि इसने यहां पर हमने डिफाइन करा हुआ है r पर ठीक है अच्छा अब रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या होता है कि आप b को रिप्लेस कर दो a से और क्या वो भी आपके रिलेशन में फिट बैठता है क्या वो भी रिलेशन की डेफिनेशन में फिट बैठता है आइए चेक कर लेते हैं 1/2 को यानी इस 2 को रिप्लेस कर दो 1/2 से तो अब चेक करते हैं अपनी डेफिनेशन को आइए सर चेक करते हैं डेफिनेशन क्या थी कि a जो है स्मॉलर इक्वल b क्यूब यानी आपने b को ही a से ही रिप्लेस कर दिया है यानी क्या ये हो सकता है वैसे भी लग रहा है कि इंपॉसिबल है बट आइए चेक करके देख लेते हैं डिजिट लगाकर 1/2 की क्यूब तो ब्रदर 1/2 आपका ये होता है 0.5 50 पैसे 50 पैसे के बराबर होता है और यहां पर आपका 1/8 आ गया है जो काफी कम क्वांटिटी में आता है ये बड़ा रहेगा और ये उससे छोटा रहेगा तो आपने यहां पर देखा कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ये ग्रेटर आ गया जबकि वो क्या कह रहा था अपने रिलेशन की डेफिनेशन में कह रहा था कि हमेशा इधर वाला साइड स्मॉलर आएगा इस साइड से बट आज गड़बड़ हो गई ये वाला साइड ग्रेटर आ गया इससे तो मतलब कि ये वाला डेफिनेशन यहां पर फॉलो नहीं हो रहा है ये वाला रूल तो हम इसे क्या कहेंगे कि जी अगर हम b को a से रिप्लेस कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेशन फिट नहीं बैठ पा रही है रिलेशन की तो हम कहेंगे इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव कितना आसान है रिफ्लेक्सिव कब होता है रिफ्लेक्सिव तब होता है जब a b को a से रिप्लेस कर दो यानी इसको इसके प्लेस में भी ये रख दो और तब भी आपकी डेफिनेशन रिलेशन की फिट बैठ जाए तो वो क्या होता है रिफ्लेक्सिव होता है चलिए सिमेट्रिक देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या होता है सर देखिए अगर मान लो आपके पास दो एलिमेंट है और ये एलिमेंट आपके रिलेशन को बिलोंग करता है और आप इन्हें इंटरचेंज करते हैं बी को यहां पर ए को यहां पर क्या ये भी आपके रिलेशन पे फिट बैठेगा इसको हमें चेक करते हैं चलिए सर एक संख्या लेके चेक करते हैं उसमें आपको बड़ी आसानी रहेगी हाँ ये रिलेशन में है क्यों क्योंकि 1 को जब आप रखेंगे और 2 की क्यूब आप रखेंगे तो 8 1 8 की क्यूब 2 की क्यूब 8 से छोटा होता है ये तो रिलेशन में फिट बैठ रहा है लेकिन क्या ये रिलेशन में फिट बैठेगा डेफिनेटली नो बिल्कुल भी नहीं फिट बैठेगा क्योंकि यहां पर जब आप 2 करेंगे 2 यहां पे आपने रखा है और 1 की क्यूब आप करेंगे 1 ही आएगा तो क्या 2 स्मॉलर होता है 1 से नहीं जी ग्रेटर होता है यानी आपने जब x और y को बदला तो आपका ये x y को बदलना इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठ सका यानी हम कहेंगे कि ये इससे बिलोंग नहीं करता है अगर ये इससे बिलोंग नहीं करता है तो इसका मतलब ये बेचारा सिमेट्रिक भी नहीं है इट इज नॉट सिमेट्रिक बड़ा आसान है ये चैप्टर समझना ये एक्सरसाइज समझना और पूरी की पूरी 12th क्लास को समझना काफी आसान है हद से ज्यादा इजी है बस आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो अब अगला क्या है ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है ब्रदर कि अगर a और b कोई डिजिट है मान लो ठीक है और वो डिजिट बिलोंग करती है r से एग्जांपल मैंने काफी सोच के यहां पर आपको बता रहा हूं कि 7 मान लो और आप मान लो 2 और ये बिलोंग कर रहा है आपके r से 7 और 2 दोनों के दोनों रियल नंबर है और इसके अलावा कोई ऐसे हो जाए कि ये जो b है इधर ले आओ ठीक है ये दोनों इक्वल है और उसके बाद एक और कोई संख्या हो c और वो भी बिलोंग करता हो आपके r से यानी कि एक संख्या आप और मान लो यानी कि 2 इधर ले आओ 1.5 मैंने ये मान लिया
अपने हिसाब से इसको थोड़ा छोटा रख लिया इससे, ताकि ये चेक करने के लिए कि ट्रांजिटिव बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता है, मैंने यहां पर इस टर्म को छोटा रखा है। अब ऐसे में कहता है कि क्या ए और सी आपके रिलेशन में बिलोंग करेगा, चलिए चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास 1. जो ये 7 था और जो 1.5 पे, क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए शुरू से देखिए, 7 और 2 को जब आप यहां पर रखेंगे तो 7 2 के स्मॉलर, 2 के क्यूब यानी कि 8, यस पहला वाला तो आपके रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ट्रांजिटिव की दूसरी कंडीशन होती है कि इस तरह से चेक करो, यानी बी इधर ले लो और एक और एलिमेंट ले लो सी। मैंने 2 को इधर ले लिया, एक और एलिमेंट ले लिया, चेक करने के लिए मैंने जानबूझकर छोटा एलिमेंट लिया है, वो 1.5 लिया है, क्योंकि हर जगह पर वो ट्रांजिटिव केस आना चाहिए। तो मैंने यहां पर 1.5 लिया, तो 2 जब मैं यहां पर लूंगा, मैंने यहां पर 2 ले लिया है और 2 आपके पास है और मुझे चेक करना है 1.5 की क्यूब पर चेक करना है, ठीक है ब्रदर। तो जब मैं 1.5 की क्यूब करता हूं तो कितना होता है, 15 × 15 = 225, 25 × 15 आपका होता है ये 3375। तो ये आ गया, ये क्या छोटा है 2 इससे, यस डेफिनेटली छोटा है, यानी यहां तक भी आप ठीक ठाक चल रहे हो। तो चलिए इसको चेक करके देखते हैं क्या ये रिलेशन में बैठ रहा है। तो आइए इसको रिलेशन में चेक करते हैं, तो 7 क्या छोटा होगा 1.5 की क्यूब से, 7 और अभी अभी मैंने बताया था ये कितना आएगा 3.375, तो डेफिनेटली नोट ये छोटा नहीं है, ग्रेटर है, यानी आपकी जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो यहां पर फिट नहीं हो पा रही है। आप इसको नोट बिलोंग टू आर कहेंगे, इसका मतलब कि ये बंदा ट्रांजिटिव ही नहीं निकला, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आप ये समझ गए कि ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। तो आई होप इस तरह से समझना, ए बी की टर्म में समझना। अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आ रही है, आप इन्हें लिखो ही मत, आप इन टर्म में समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से किसी भी तरह से आप 12th मैथ्स में लिख सकते हो, ये फुल स्टेप है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। अगर समझने का तरीका, समझाने का ये तरीका आपको अच्छा लगा हो, अगर ये लगा हो कि हमारी मेहनत सच में काफी कारगर है आपके लिए, तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।